सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों के बीच हुए विवाद में अब तक कई लोग सामने आ चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मारपीट, रेप, हत्या की कोशिश, घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि शमी इन सभी आरोपों से इनकार कर रही हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों अलग अलग जांच कर रहे हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों की इस कड़ी में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। अलिशबा के सामने आने के बाद मोहम्मद शमी के चाचा खुर्शीद अहमद भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। चाचा खुर्शीद ने मोहम्मद शमी का साथ देते हुए हसीन जहां पर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद शमी के चाचा का कहना है कि हसीन जहां शमी के पैसों से हर महीने लाखों की शॉपिंग करती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हो सकता है कि हसीन जहां काफी लंबे वक्त से शमी से पीछा छुड़ाना चाहती हो। उन्होंने कहा, हसीन जहां सिर्फ पैसा चाहती है। हमने उससे और उसके वकील से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी तुरंत उसके नाम कर दी जाए। हो सकता है वो शमी से पीछा छुड़ाना चाह रही हो, कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।